अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम सिस्टम को यानी कि विंडो को हम किस तरह लॉक लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारे चैनल अदनान हाशमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आप अपने अकाउंट को या विंडो को आप पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं या आप कह सकते हैं कि मैं अपने सिस्टम को पासवर्ड लगाना चाह रहा हूँ ताकि कोई यूजर ओपन ना कर सके, तो हम वो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे पहले हम स्टार्ट में जाएंगे। स्टार्ट में देखेंगे कि हमारे पास कौन सा यूजर एक्टिव है। ये देखें, HC के नाम से मेरे पास एक यूजर एक्टिव है। इसको हम पासवर्ड कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मैं दिस PC में आऊंगा। दिस PC पे राइट क्लिक करूंगा, मैनेज में जाऊंगा। मैनेज में जाके यहाँ पे मेरे पास विंडो जो ओपन होगी, यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया। और यहाँ पे मैं लोकल यूजर एंड ग्रुप में जाऊंगा। यहाँ पे मैं यूजर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे यूजर पे क्लिक करते ही मेरे पास HC का यूजर ओपन हो चुका है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड पे जाऊंगा और प्रोसीड पे क्लिक करके यहाँ पे मैं पासवर्ड दूंगा। फिर मैं कंफर्म पासवर्ड दूंगा, देके ओके करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसेज आएगा दिस पासवर्ड हैज बीन सेट, यानी कि ये पासवर्ड सेट हो चुका है और हमारा सिस्टम पे पासवर्ड सेट हो गया है। अब ये पासवर्ड जो आपने रखा है, ये पासवर्ड आपको याद होगा तो विंडो ओपन होगी, अदरवाइज आपकी विंडो ओपन नहीं होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया कि आप विंडो में कैसे पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।